यही कहना चाहेंगे कि बाबू को काफी वोटन तो जिता, मंत्री जी किसी एक आदमी के नहीं थे, सब जातों के थे। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभयराम यादव। अभयराम यादव इस समय डिंपल यादव के प्रचार में जुटे हुए हैं, गांव-गांव जाकर के किसान हर जात वर्ग में संपर्क कर रहे हैं और मैं अभयराम जी से बात करने के लिए सैफ ही मौजूद हूँ। अभयराम जी, सैफ ही बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार डिंपल यादव के प्रचार में जुटे हुए हैं बाबा, तो आप इस समय कितने गाँव का दौरा कर चुके हैं? मैं कर चुके कम से कम 100 गांव के। तो क्या चुनावी क्या माहौल है बाबा इस समय? चुनावी जीते हैं डंपर बहू। आपकी बहू इस समय जो है मैनपुरी से लोकसभा प्रत्याशी हैं हाँ, और धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद भी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और आपके बड़े बेटे अनुराग यादव दीपू को ब्लॉक सैफई की कमान सौंपी गई है, वो भी लगातार जो है अब चुनावी अभियान चला रहे हैं, दिन रात जो है गांव गांव जा करके मतदाताओं के लिए अपील कर रहे हैं, हाँ तो आप सर, इससे क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही कहना चाहेंगे कि बाबू को काफी वोटन तो जिता, जो ना हो मंत्री जी किसी एक आदमी के नहीं थे, सब जातों के थे, और जो जी लगाई गई है वो PAC फौज का बोली जाती है। हाँ वो स्पेशल फोर्स लगाया चुनाव में। हाँ 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 ये न लगाया जाए वो उनमें सबके हैंगे, वो सबसे ज्यादा तो नहीं फौज वाले आदमी की बात करिए सबसे बढ़िया, तो सब लोग अपने अच्छी तरह से डबल को काफी वोटों तो जिताए। मतलब मुलायम सिंह यादव जो रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने सेना के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, यही कहना चाह रहे हैं आप? बहुत अच्छा कार्य किया। क्या अच्छा कार्य बाबा, क्या आपकी जानकारी में ये है? किया, पहले तो कपड़ा अकेले आते थे, अब तो उनके मैं बासो घर अच्छी आती है और खूब धूमधाम से उनकी अच्छी वो होती है। बाबा नेताजी की छवि लोग आप में देखते हैं और जहाँ भी आप गांव में जाते हैं आपको बिल्कुल मुलायम सिंह के बहुत आपका सम्मान मिल रहा है, हर जात आपको वोट देने के लिए कह रही है कि मैं हर जात वर्ग के लोग आपसे मिल रहे हैं और हर जात का आपको प्यार मिल रहा है, इस बारे में बाबा क्या कहना चाहेंगे आप? अब्बा में अच्छी है, जो हमने सही काम कराया और किया तो सब आदमी हसमुख हो के बोलता चलता पकड़ता है। आप तो थाने में भी लोगों को नहीं जाने देते थे, आप पंचायत कर देते थे, लोग दोनों पक्ष खुश होके जाते थे, आपने पंचायतें भी बहुत की, आपकी पंचायत की भी काफी तारीफ रहती थी। तो हमारा न्याय की नहीं होने देते, सब बात जो वो सही सब कराते थे, कोई अन्याय की बात नहीं कराते थे। और नेताजी भी यही करते थे, नेताजी भी की उद्देश्य यही था कि कार्यकर्ता मिलजुल के रहें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें और मतलब जो है आपसी मतलब कभी खर्च कचहरी कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़े, उसी उसी उद्देश्य पे आप चल रहे हैं, तो इसमें कितनी कितनी खुशी मिलती है बाबा पंचायत करने में? पंचायत करने में नहीं, अब बेबस जब कोई पंचायत करने वाला नहीं रहा इसलिए बैठे ने, मैंने पंचायतें नहीं की, उन्होंने मुझे अन्याय किया है। तो बाबा आपसे आखिरी सवाल है लास्ट, तो आप डिंपल यादव के लिए मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे, सारी जात के मतदाताओं से? बेटे हाथ जोड़ विनती करे कि बहू को जिताओ, काफी वोटर थे कम से कम 2-3 लाख से।